तो उसकी माँ भी धमकी देकर जाती, मेरे लड़के नु दे इसकी माँ धमकी दे, कदे इसका भाई धमकी दे, तीनू के तीनू और कदे वो। रोहतक का गैंगरेप उसके मुंह पर एक तमाचा है। हमें लगता है कि इसकी जवाबदेही कौन करेगा। नमस्कार, आज बात कलंक की। आज हम आपको कलंक की तीन ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देगी, समाज को कटघरे में खड़ा करेगी। सबसे पहले बात रोहतक गैंगरेप की, जहां 23 साल की एक लड़की का 6 लड़कों ने गैंगरेप किया और गाड़ी से कुचलकर मार दिया। हैवानियत की यह खबर दिल्ली के पास के रोहतक की है, जहां बदमाशों ने एक लड़की को अगवा किया, फिर उसका गैंगरेप कर हत्या कर दी और शव को रोहतक के ही IMT के पास खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया। इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि 9 मई को सोनीपत के एक प्राइवेट कंपनी के गेट पर एक कार में सवार 5 से 6 युवक पहुंचे। उन्होंने जबरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसका गैंगरेप किया और हत्या कर दी। पीड़ित के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बेटी की शादी के सपने संजो रही थी, लेकिन दरिंदों ने माँ के सारे अरमानों को कुचल दिया। 9 तारीख ने भीतर को ना जान दी, को बाहर के बाहर ले गए, भीतर चली जा तो लकड़न को ना दे जी कंपनी वाले। आरोप है कि पिछले एक साल से आरोपी लड़की को परेशान कर रहा था, शादी का दबाव बना रहा था। यहाँ तक कि लड़के की माँ ने लड़की के परिवार वालों को उसके घर जाकर धमकी भी दी थी, लेकिन पुलिस से लेकर समाज सब तमाशबीन बने रहे। खुद उसकी माँ भी धमकी देकर जाती, मेरे लड़के ने दे इसकी माँ धमकी दे, कदे इसका भाई धमकी दे, तीनू के तीनू और कदे वो और 20 लेकर समय एक प्याक प्याक नून खेत लग गए जी मारे का ना पूरे खेत में नून बैठ जाते 20 देखिए। आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए सोनीपत पुलिस ने जो जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था सुमित, वह उसके साथी दोनों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात इतनी घिनौनी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक गैंगरेप के बाद बदमाशों ने लड़की के शरीर को नुकसान पहुंचाया, उसके शव को कुचला गया, उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके सर पर गाड़ी तक चढ़ा दी। इस लड़की को बेरहमी से कत्ल किया गया है और अकेला कत्ल नहीं किया गया, इसके गुप्तांग में कोई बाहरी वस्तु भी डाली गई है, जिसके कारण इसका NS है वो फटा हुआ है। इसके साथ साथ इसके सिर पे भारी किसी उससे वार किया गया है या कोई व्हीकल से इसके ऊपर सिर के ऊपर से चला दिया गया, जिससे कि सर इसके सर, सिर के हड्डियों के टुकड़े हुए हुए। क्या करते थे, उससे प्रेम था क्या है? फिर हत्या क्यों कर दी? जनता ने मुझे बात बार बार कह रहा हूँ होगी। इस वारदात के बाद रोहतक से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। रोहतक पुलिस और सोनीपत पुलिस ने मिलकर 2 युवकों को इसमें गिरफ्तार कर लिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। महिला के साथ जिस तरीके से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसी तरीके से इस महिला के साथ भी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। इस वारदात को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ 2 आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब अगली कलंक कथा बिहार के कटिहार की है। यहां 10 साल की मासूम बच्ची से स्कूल से लौटते वक्त रेप किया जाता है। बच्ची किसी को बता ना दे, इसलिए बच्ची की हत्या कर दी जाती है। चेहरे को ऐसे नुकसान पहुंचाया जाता है कि उसे कोई पहचान तक ना पाए। 10 साल की नाबालिग से रेप, रेप के बाद हत्या,
बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी में 10 साल की मासूम की रेप और हत्या की वारदात ने लोगों को अंदर से हिला दिया है। घटना शुक्रवार की है, जब 10 साल की बच्ची स्कूल गई थी लेकिन वो वापस नहीं लौटी। रात भर परिवार वालों ने उसकी तलाश की लेकिन सुबह लड़की की हत्या की खबर आई। शुरुआती छानबीन के बाद पता चला कि लड़की का रेप कर हत्या कर दी गई है। इधर उधर खोजते खोजते 11:30 बजे रात में जाकर को महा मस्जिद में अलार्म भी करवाए हैं कि जो भी पाए देखे तो कृपया पहुंचा दे। अभी तक जिसने घटना करी अपराधी अज्ञात है, जिस पर हम लोग लगे हुए, एक विशेष टीम का गठन भी किया है जिसमें SI नितेश चौधरी और SI दिलीप ओझा और इस कांड के अनुसंधानक थाना प्रभारी हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग 24 घंटे में अपराधी के संबंध में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। पुलिस 24 घंटे में हत्यारे को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर महाराष्ट्र के बीड में दो बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। दोनों बाइक में आग लग गई। एक बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यहां पर हम कलंक क्यों कह रहे हैं आप आगे समझेंगे। दूसरे के इलाज के दौरान मौत हो गई है। दोनों बाइक चलाने वाले जल रहे थे, अध जले थे, लेकिन वहां कोई ऐसा नहीं था जो पास से गुजर रहा हो और उसे एहसास हो रहा हो कि रुक जाना चाहिए, इनकी मदद कर देनी चाहिए। लोग वीडियो बनाने में बिजी थे, मसरूफ थे। आप देखिए, बाइक धू धू कर जल रही है और लोग तमाशबीन हैं। वहां से बस निकली, छोटी गाड़ी निकली, कारें निकली, बाइक निकली, लेकिन कोई ना रुका। इसलिए हम इसे कलंक कह रहे हैं, इंसानियत की मौत कह रहे हैं। आप यकीन मानिए, अगर कोई ऐसा होता कि इंसानियत के नाते ही सही वहां रुक जाता, इनकी मदद कर देता, अपने मोबाइल फोन में इनकी ये तस्वीरें ना रिकॉर्ड कर रहा होता, तो इन दोनों में से ये दोनों इनफैक्ट बच जाते। एक ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया और दूसरा मौके पर ही खत्म हो गया। खबर तो ये भी मिल रही है कि एक बाइक में शायद शराब की बोतल थी और इसी वजह से आग और जल्दी से लपटे पकड़ रही थी। और ये वो रोड नहीं था जहां पर लोग कम आते जाते हैं, ये बिजी रोड था। गुजरते चले गए लोग और अधजले इन दोनों विक्टिम्स को देखते रहे।